अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी बेटा, वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई डिस्टरबेंस नो तो नहीं है? कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही? मैम। नो मैम। ओके, दैट्स गुड। चलो, ऑलमोस्ट 17 स्टूडेंट्स हैं। ओके फाइन, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए थे हमने कि वाटरफॉल क्या होता है, किस तरीके से लीनियरली ट्रेडिशनल हम वाटरफॉल को कंसीडर कर रहे होते हैं प्रोसेस मॉडल, जो डिफरेंट फेजेस से होकर हमारा एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है। आज हम एक और प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे, विच इज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसेस, जिसको यूनिफाइड SD भी कहा जा सकता है, UP भी कहा जा सकता है, USDP भी। ये तमाम नेम जो है वो हम यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक इनोवेशन है कि अब तक जो हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े हैं, उन प्रोसेस मॉडल को देखते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए हम यूज केस डायग्राम्स और जो UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML बेसिकली क्या है, शायद मैंने आपको पहले भी ओवरव्यू दिया था कि UML इज बेसिकली इज अ सेट ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स, जिसमें यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स हैं, CRC, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेटर, बहुत सारी डायग्राम्स, कुछ 17-18 डायग्राम्स का एक सेट है, और उन डायग्राम्स को कंबाइन करके हम कह रहे हैं इट्स अ UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। सो हमने ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनिफाइड प्रोसेस, RUP भी इसको कहते हैं, रैशनल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इसको RUP भी कहते हैं, RUP, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। सो जो ये मॉडल हमें क्या कह रहा है कि वही फेजेज जो हम इससे पहले ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे थे, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, वही काम हम इसमें भी करेंगे, लेकिन साथ साथ यूज केस बेस्ड जो है वो हमारी एनालिसिस होंगे, उसी यूज केस की बेसिस पे हम रिक्वायरमेंट्स लेंगे कस्टमर से, फेजेस वही होंगे, लेकिन उन फेजेस के साथ साथ हम UML डायग्राम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि अब प्रोजेक्ट की नेचर भी चेंज हो रही है, पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज होती थी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सारे सॉफ्टवेयर जो है वो रियल वर्ल्ड को मैप करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए डेवलप हो रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस उसमें क्या है, इस प्रोसेस मॉडल में ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करते हुए, प्रोसेस मॉडल्स को यूज करते हुए अपनी UML डायग्राम्स की जो यूज केस डायग्राम है उसको यूटिलाइज करें रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए। सो ये बेसिकली क्या है, यूज केस ड्रिवन है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोसेस मॉडल का, कि हमारा एनालिसिस और डिजाइन स्ट्रांग होना चाहिए, हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें अपने एनालिसिस और डिजाइन पे, और आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटेड मीन्स कि पूरे प्रोजेक्ट के साथ तमाम फीचर्स को एक साथ एनालिसिस, एक साथ डिजाइन करने के बजाय हम पीसेस बाय पीसेस में काम करें, हम इंक्रीमेंट्स में काम करें, हम साइकिल्स में काम करें, हर इंक्रीमेंट को हम एक आइट्रेशन कह रहे हैं, कि एक आइट्रेशन में हम कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एक प्रोजेक्ट की कंप्लीट करें, और उन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए पहले हम रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली गैदर करें, और प्रॉपरली गैदर करने के लिए हम यूज केस डायग्राम यूज करें। The UP and most new methods.
encourage a combination of risk-driven and client-driven iterative planning. यार ये जब हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग पे काम करेंगे तो हम साथ साथ रिस्क को भी डिटरमाइन करेंगे. जैसे हमने स्पाइरल मॉडल में भी देखा था कि स्पाइरल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क ड्रिवन, कि हम रिस्क को साथ साथ मॉनिटर करते रहें, कंट्रोल करते रहें कि अभी हम जिस फेज में हैं पॉसिबल क्या क्या रिस्क आ सकते हैं अभी और आगे जाकर. सो हम कोशिश करें कि वो रिस्क अकर ना हो, और अगर रिस्क अकर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो कोशिश ये करें कि अगर वो अकर हो जाता है तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास जो है मेन ऑब्जेक्टिव है. दिस मीन्स दैट द गोल ऑफ द अर्ली आइट्रेशंस आर चूजन, आइडेंटिफाई एंड ड्राइव डाउन द हाईएस्ट रिस्क एंड बिल्ड विजिबल फीचर्स दैट द क्लाइंट केयर्स मोस्ट अबाउट. ठीक है, अगेन इसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स ले लें, उसके बाद आप उन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करवाएं कस्टमर से कि उसके लिए कौन से फीचर्स, कौन से रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इट्स नॉट सम केसेस में ऐसा होता है कि नॉट पॉसिबल होता है कि आप सारे के सारे फीचर्स उस टाइम, कॉस्ट और स्कोप के अंदर कंप्लीट कर सकें. तो आप क्या कह रहे होते हैं, आप कस्टमर से उसकी गिवन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करवा रहे होते हैं. प्रायोरिटाइज मीन्स कि ऑर्डर दे दें कि कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स या रिक्वायरमेंट कौन सी हैं. तो वो जब आपको लिस्ट डाउन कर देंगे, प्रायोरिटाइज कर देंगे, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट आइट्रेशन में क्या काम करना है. और यूजली आप स्टार्ट की ईयरली आइट्रेशंस में मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ सिस्टम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके होते हैं. तो दो चीजें आपके पास आई, आइडेंटिफाई एंड ड्राइव डाउन द हाईएस्ट रिस्क, जिस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिससे ज्यादा रिस्क ज्यादा है, तो वो जो है उसकी हाईएस्ट रिस्क जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं. इसी तरह जो सेकेंड है कि स्टार्ट में ही आपके ईयरली स्टार्ट में, क्योंकि आप काम करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता था. उसमें क्या होता था, पूरे प्रोजेक्ट की एनालिसिस एक साथ, डिजाइन एक साथ, फिर कोडिंग और फिर टेस्टिंग, और एट द एंड कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर नजर आता था. यहाँ पे क्योंकि हम आइट्रेशंस में काम कर रहे हैं, तो आइट्रेशंस में काम करने के लिए जैसी एक आइट्रेशन कम्प्लीट होगी, एक वर्किंग प्रोडक्ट नजर आ रही होगी एक प्रोजेक्ट की, फिर उसी प्रोजेक्ट के लिए हमने नेक्स्ट आइट्रेशन पे काम किया, फिर नेक्स्ट वर्किंग मॉड्यूल्स जो है वो नजर आ रहे होंगे. सो विजिबिलिटी भी साथ साथ होगी. Risk driven iterative development includes more specifically the practice of architecture centric iterative development, meaning that early iterations focus on building, testing and stabilizing the core architecture. Why? Because not having a solid architecture is a common high risk. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो risk driven, हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि start में हम फोकस किस पे करेंगे, एनालिसिस और डिजाइन पे. सो जब एनालिसिस और डिजाइन ही हमारा स्ट्रांग होगा स्टार्ट से, ठीक है, मीनिंग दैट अर्ली आइट्रेशन फोकस ऑन बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग द कोर आर्किटेक्चर, मीन जो मेन आर्किटेक्चर है जिस पे आपकी पूरी एप्लीकेशन बिल्ड होगी, वो आपकी अर्ली आइट्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा. इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अगर आपका आर्किटेक्चर सॉलिड नहीं होगा, जिस पे एप्लीकेशन खड़ी होगी, बिल्ड होगी, अगर वही आपके पास जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, that is a common high risk. इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये risk driven iterative development है. Iteration में काम करेंगे और early iterations में ही जो सबसे important portion होगा आपके project का, जो main core aspect है, like उसके architecture building, वो हम complete कर चुके होंगे. तो miss ये object oriented की तरह हो गया ना? Object oriented ही है, बिल्कुल. इसमें हम object oriented approach ही use कर रहे होते हैं usually. Key concept in unified process. Unified process के key जो है वो हमारे पास best practices क्या हैं? Tackle high risk and high value issues in early iterations. Start की iterations में ही जो high risk हैं और जो high value issues हैं वो हमने cater कर दिए. Continuously engage users for evaluation, feedback and requirements. Throughout आप customer से start से ही जो है वो communicate कर रहे हैं, collaborate कर रहे हैं. आपका जो है कस्टमर जो है वो थ्रू आउट हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है. एदर वो इवेल्युएशन की एक्टिविटी हो, आपने जो काम करा, वर्किंग प्रोडक्ट बनाया, उसको इवेल्युएट कर दिया, वो आपको फीडबैक दे रहा है, या आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी हो, रिक्वायरमेंट्स को प्योरीफाई करना हो, रिक्वायरमेंट्स को स्टेबल कराना हो, तो सब चीजों में कस्टमर से कम्युनिकेशन बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल. वहां पे क्या था, हम सिर्फ फर्स्ट स्टार्ट में कस्टमर से कह रहे थे कि रिक्वायरमेंट दे दें, उसके बाद एनालिसिस डिजाइन वाला पोर्शन हम हमारी डेवलपमेंट टीम कर रही थी, वहां पे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. यहाँ पे ओवरऑल पूरे आइट्रेशन में आप कभी भी कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. बिल्ड अ कोहेसिव कोर आर्किटेक्चर इन अर्ली आइट्रेशन. अर्ली आइट्रेशन में ही, स्टार्ट की आइट्रेशन में ही आप कोर जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है जिसपे आपकी एप्लीकेशन पूरी बिल्ड होगी, वो आप डिजाइन कर चुके होंगे. कंटिन्यूसली वेरीफाई
क्वालिटी टेस्ट ईयरली ऑफन एंड रियलिस्टिकली. ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट से ही क्वालिटी को मेजर कर रहे होंगे. अब वो क्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे, जैसे जैसे आपकी वर्किंग प्रोडक्ट बनती जा रही है आप एयरली फेसिस पे उनको टेस्ट करते चले जा रहे हैं साथ साथ, और बहुत ही रियलिस्टिकली. रियलिस्टिकली मीन्स आप ये माइंड में रख के करेंगे ये एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में चल रही है. ठीक है, आप बायस्ड होकर यहाँ टेस्टिंग नहीं करेंगे कि ये मेरा कोड है मुझे पता है यहाँ पे ये अगर कर चलाऊंगा तो इसमें एरर आ सकता है तो यहाँ फट सकता है कोड तो इसको हम मैं एलिमिनेट कर दूँ. आप बिल्कुल रियलिस्टिकली रह करके लेट सपोज कि मैं कस्टमर हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ और उस पर किस तरीके से मेरा सिस्टम बिहेव करेगा. तो यहाँ पे आप टेस्टिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं. अप्लाई यूज केसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे आप यूज केसेस यूज करें फॉर मॉडलिंग. डू सम विजुअल मॉडलिंग विद द UML. UML की डिफरेंट डायग्राम्स मौजूद हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने सिस्टम को विजुअलाइज कर सकते हैं कि बनने से पहले, एक्चुअल बनने से पहले आप अपने सिस्टम को मेंशन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करेगा. केयरफुली मैनेज रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे क्योंकि आपके पास यूज केस डायग्राम है, सो आप यूज केसेस के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली गैदर कर सकते हैं. प्रैक्टिस चेंज रिक्वेस्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मैंने आपको लास्ट टाइम भी ओवरव्यू दिया था. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या चेंज कोई रिक्वेस्ट आती है, लेट सपोज अगर इनिशियल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो फाइनलाइज हुआ है इनिशियल रिक्वायरमेंट्स का, उस पर आप कस्टमर अगर कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में उसको अपडेट करने के बजाय उसकी एक कॉपी बनाएंगे वर्जन 1 के नाम, और जो चेंज होगा उस चेंज को उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर जो नई अपडेटेड फाइल है उसी को ही यूज करेंगे. लेट सपोज आगे जाके कस्टमर ने फिर से कोई चेंज किया तो वो जो वर्जन 1 था उसमें चेंज करेंगे और फिर नई फाइल बन जाएगी वर्जन 2 के नाम से, फिर उसमें जो अपडेट है उसको चेंज करेंगे और फिर वही जो नई अपडेटेड फाइल है वो थ्रू आउट फिर यूज होगी. तो इससे क्या होगा कि आपके पास चेंजेस का एक लॉग मेंटेन हो रहा है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी और कितना फ्रीक्वेंट वो चेंज हो रही है. तो इस प्रोसेस को हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कह रहे हैं कि जितनी भी चेंजिंग रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उनको आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर रहे हैं. ये फेजेस हैं यूएसपी के. जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है उन्होंने ये देखा होगी ये डायग्राम, और अभी मैंने आज उनको भी ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस ही पढ़ा है. तो फेजेस ऑफ रब क्या है, हमारे पास वही सारे काम है जो हम किसी ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल में करते हैं. कम्युनिकेट विद द कस्टमर, प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट, सिस्टम मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. जब में वही चीजें यूनिफाइड प्रोसेस, रब में हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन और प्लानिंग को कह रहे हैं कि ये इंसेप्शन है, प्लानिंग और मॉडलिंग को हम कह रहे हैं कि ये फेज इलेबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन में हम कोड राइट डाउन कर रहे हैं एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसलेट कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट, मीन्स अपने इन हाउस डेवलपमेंट से कस्टमर के जो एनवायरनमेंट है जहां उसको एक्चुअल चलना है ऑपरेशन एनवायरनमेंट में उसको लाइव कर रहे हैं एंड एट द एंड प्रोडक्शन हो जाएगी जब तमाम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी. सो दीज आर द फेजेस ऑफ रब. द यूनिफाइड प्रोसेस इज अ जेनेरिक नेम फॉर अ फैमिली ऑफ प्रोसेस मॉडल्स. ठीक है, हमने जो अभी यूनिफाइड प्रोसेस पढ़ा ये क्या है, हमारे पास एक जेनेरिक नेम है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस मॉडल्स फर्दर आ सकते हैं. That meet a number of criteria such as iterative, incremental use cases use होंगे and focusing on addressing risk early. The rational unified process is a refinement of the unified process that was created by rational software now owned by IBM. ठीक है, so ये rational unified process, ये जो हमने अभी model पढ़ा उसी की ही refinement है जो कि rational ने introduce किया था. It uses a series of software tools. Rub क्या कह रहा है कि हम different software tools भी use करें, process framework को तो follow करें, जो चीज़ हमें unified software development process बता रहा है वैसे ही करें, लेकिन उसके साथ साथ हम software tools को भी साथ साथ use करते रहें. Yet still provides a framework for tailoring to meet an organizational needs. Other refinements, इसकी और भी बहुत सारी refinements हुई इसी USD की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा use हो रही है वो Rub कहलाती है, rational unified process. गैंग ऑफ थ्री, बूच, रैम्बर्फ एंड जैकबसन, इन तीन लोगों ने मिलकर ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस एक नया जो है मतलब रिफाइन किया यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को.
RUP is an iterative process product framework created by Rational Software Corporation, acquired by IBM in 2003. Product development process based on object-oriented model. वो क्या कह रहे हैं कि हमें object-oriented और different tools को use करते हुए हमें development करनी है. And UML diagrams are the core of RUP. RUP अगर आप कर रहे हैं Rational Unified Process, तो उसके लिए mandatory है कि आप UML diagrams को भी use करें. Iterative, incremental and again architecture centric. ये वाले features ये कहाँ से ले रहा है? Unified software development से ये दो तीन features. Implementation of best practices, configurable process. It is supported by tool which automate the process and are used to maintain artifacts. ठीक है, different tools जो हैं वो RUP को support कर रहे हैं. Means आप tools के through भी RUP को configure कर सकते हैं. Represent the effective usage of UML. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारे पास RUP की? आइटरेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम एंड आइटरेशंस. ठीक है, आप आइटरेशंस में काम करें. जैसे जैसे आइटरेशंस बढ़ती चली जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी. हाई रिस्क को आप अर्ली फेज में या अर्ली लाइफ साइकिल में ही जो है वो कैटर कर चुके होंगे. ईच हर आइटरेशन के एंड में एक वर्किंग डिलीवरेबल आपको मिल रहा होगा. मैनेज रिक्वायरमेंट्स, यूज केसेस के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लिसिटली थ्रू यूज केसेस डायग्राम आप जो है वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं. यूज केसेस सिंबल, जब हम यूज केस की बात कर रहे हैं तो यूज केस के सिंबल्स क्या होंगे हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होगा एक्टर. एक्टर कैन बी अ पर्सन एंड कैन बी अ नॉन पर्सन एज वेल. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं पर्सन है तो पर्सन मीन्स स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, एडमिन, क्लर्क, बैंकर, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स एक्टर्स हैं. नॉन ह्यूमन बीइंग एक्टर्स क्या हो सकते हैं? कोई अनदर सिस्टम, ठीक है, कोई बैंक. लेट सपोज मुझे बैंक को अपने सिस्टम में विजुलाइज करना है, तो जो बैंक है, एटीएम मशीन, अगेन एटीएम मशीन इज नॉन ह्यूमन बीइंग एक्टर, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन नॉन ह्यूमन बीइंग से होगी. एन एक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिक्ट फिगर इन यूएमएल. एक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है यूएमएल में, यूज केस डायग्राम में? एज अ स्ट्रिक्ट सिंबल. ये स्ट्रिक्ट के फॉर्म में एक एक्टर आप रिप्रेजेंट करें और हमेशा यही सिंबल एक्टर के लिए यूज होगा. इसमें आप फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते, ये जो एग्जिस्टिंग सिंबल है इसी को ही आप यूज करेंगे. एंड देन यूज केस. यूज केस मीन्स कोर फंक्शनैलिटीज ऑफ सिस्टम. ठीक है, कोर फंक्शनैलिटी क्या है? रजिस्टर फॉर कोर्स. कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन क्लर्क, किसी भी. और फिर यहाँ पे अगर हम और चीजें ऐड करना चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट भी एक एक्टर होगा. वो एक्टर क्या करेगा? रजिस्टर फॉर कोर्स, और उसको रजिस्टर कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन क्लर्क. और एक्टर और यूज केस के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन होगी जो बता रही होगी कि ये एक्टर इस सिस्टम में ये रोल प्ले कर सकता है. अभी हम डिटेल में जाके देखेंगे. कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स. कंपोनेंट मीन्स के आपके पास जो है वो कॉन्फिगरेबल एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. जब आप ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप जो है आइसोलेशन में बने हुए कंपोनेंट्स, लेट सपोज मैंने आज एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको उसके कुछ कंपोनेंट्स या कुछ मॉड्यूल्स को मैंने अपने पास सेव कर लिया जो मुझे लग रहा है आगे यूज हो सकते हैं. अब नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता प्रोजेक्ट आया तो मैं उसको स्क्रैच से करने के बजाय जो आज के प्रोजेक्ट के मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कॉन्फिगरेबल कंपोनेंट्स, मैं उसको यूज कर सकती हूँ. RUP provides a systematic approach to defining an architecture using new and existing components. अगर existing components नहीं है तो आप नए components भी बना सकते हैं, आप component purchase भी कर सकते हैं, आप outsource भी कर सकते हैं, बाहर से ले भी सकते हैं, और अपने बने हुए component भी किसी को sell कर सकते हैं कि वो अपनी application में उसको configure करके चला सकते हैं. Visually model software, UML के through आप software को visually model भी कर सकते हैं. It provides blueprint for software construction. Blueprint means like template.
जो एप्लीकेशन बनेगी बाद में उसका आपने एक वर्किंग प्रोटोटाइप चला के दिखा दी थ्रू डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स। चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, वही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो हमने देखी। द प्रोसेस डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल ट्रैक एंड मॉनिटर चेंजेस टू इनेबल सक्सेसफुल आइटरेटिव डेवलपमेंट, कि हम स्टार्ट में क्या रिक्वायरमेंट थी, कितनी चेंज हुई, उन चेंज को हमने कैसे कंट्रोल किया, ट्रैक कैसे कर रहे हैं और थ्रू आउट मॉनिटर करते जाएंगे अब तक कितनी चेंजेस हो चुकी हैं। एस्टैब्लिश सिक्योर वर्क स्पेस फॉर डेवलपर्स बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम चेंज, और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रॉपरली आपने जो है वो अपने सिस्टम में लाना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके एडिट कर दिया और चीजें कर दी, एक पूरा चेंज कंट्रोल बोर्ड जिसको हम सीसीबी कह रहे हैं, वो सीसीबी बैठेगा, वो जो नई चेंज रिक्वेस्ट आई है उसको एनालाइज करेगा, गो थ्रू करेगा, सारे एस्पेक्ट देखेगा, टाइम कॉस्ट बजट जो चीजें होंगी वो सब देखकर अगर वो सीसी बोर्ड अप्रूव करेगा तभी वो चेंज जो है वो आगे जाके आपके उसमें एड ऑन होगी। तो ये सारे प्रोसेस में जब तक जो डेवलपर्स हैं उनको आपने बार बार नहीं तंग करना कि अब ये एक रिक्वायरमेंट आई है, अब ये, जब तक वो चीज थ्रू सीसीबी प्रॉपर अप्रूव होके आपके पास नहीं आती जब तक डेवलपर्स को वो चीजें नोन नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेस ओवरव्यू हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अलोंग टाइम, ये हमारे पास आइट्रेशन हैं, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, ये तो स्टार्ट फेज इज प्रिलिमिनरी आइट्रेशन, स्टार्ट की फेज जिसमें कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस ऑफ रप हैं, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अलोंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, कोर प्रोसेस वर्कफ्लोस, कौन कौन से कोर काम हमने करने हैं, बिजनेस मॉडलिंग होगी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी, एनालिसिस डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, और सपोर्टिंग वर्कफ्लोस क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें आपकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज होंगी और ये आपकी कोर फंडामेंटल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। अब देखिए फर्स्ट आइट्रेशन जो अर्ली आइट्रेशन होंगी इसमें इंसेप्शन का ग्राफ बहुत हाई है, यानी कि बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रही होंगी क्योंकि स्टार्ट का फेस है, और उसमें कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन कम होगी क्योंकि अभी हम कंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रहे, अभी हमारा मेन फोकस है रिक्वायरमेंट गैदर करके एनालिसिस और डिजाइन करना जो हम इलेबोरेशन में कर रहे होंगे, और इलेबोरेशन का बहुत हाई है, देखिए एनालिसिस और डिजाइन में हमारा इलेबोरेशन का ग्राफ बहुत हाई जा रहा है, जैसे जैसे हम चीजें इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे एनालिसिस और डिजाइन पे इतना काम नहीं होगा, जब हम कंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो कंस्ट्रक्शन पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, ये देखें ये वाले ग्राफ कितना हाई जा रहा है, और एट दी एंड हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम ट्रांजिशन भी करते जा रहे हैं कस्टमर के हैंड ओवर, डिप्लॉयमेंट में ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आ गया हमारे पास ट्रांजिशन का। सो दैट इज द प्रोसेस ओवरव्यू के हम रप में कौन से प्रोसेस पे किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? जी क्लास, कोई क्यूरी है यहाँ तक? ओके, जी तूबा मैम, मेरी आवाज आ रही है? बेटा थोड़ी सी जो है आपकी आवाज लैग हो रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच में, बोलो। के जैसे कि आप क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह देंगी तो आप थ्योरी तो नहीं देंगी, इम्प्लीमेंटेशन देंगी, तो मैम आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई करवा दें ताकि हमें समझ जाए। देखो अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं जब तक हम यूएमएल स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यूज केस में नहीं जाएंगे जब तक, तो ये थ्योरी ही हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये इस थ्योरी का, इस थ्योरी का ऐसे कोई प्रैक्टिकल वर्क अभी हो नहीं सकता, ये जो थ्योरी हम अभी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कोर अंडरस्टैंडिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस मॉडल्स के, सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त प्रोसेस मॉडल किस तरीके से यूज होते हैं, तो ये तो एज अ थ्योरी ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें सॉफ्टवेयर हाउसेज में हो रही होती हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। अब कस्टमर से कम्युनिकेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नहीं बता सकती, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है वो चीजें एक्चुअली जब प्रैक्टिकल आप मार्केट में जा रहे होते हो तो तब होती है। क्या चीज हम करेंगे कि जब वो रिक्वायरमेंट्स आ गई उन रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करके जब हम यूज केसेस पे जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंटेशन से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो ये सिर्फ कोर अंडरस्टैंडिंग है कि हमें चीजें पता हो काम हो कैसे रहा है, जब हमें ये पता चल गया फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि अच्छा अगर मुझे यूज केस मॉडलिंग करनी है तो यूज केसेस कैसे बनते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में ये रफ कम्प्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास ये यूज केस स्टार्ट हो रहा है।
मिस ये जो आज आप मिस अगर आप क्विज लेंगी तो फिर वो किस तरह का लेंगी, मतलब वो यूज केस मैं पढ़ाने के बाद क्विज दूंगी, पहले मैं यूज केस डायग्राम पढ़ाऊंगी, उसके एक दो सिनेरियोस डिस्कस करूंगी, उसके बाद क्विज होगा। अब चाहे वो आज हो या यूज केस हम कल पढ़ें, उसके बाद ही क्विज होगा। क्लियर है मैम? कल ही ले लेना अगली क्लास में। इट डिपेंड्स कि हम यूज केसेस कितनी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। देखो अगर क्विज में प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या आएगा, तो यूज केसेस से प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन यूज केसेस से पहले जो हमने पढ़ा है वो तो थ्योरी में ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो होंगे थ्योरी बेस्ड ही, उसमें मैं आपसे कुछ ड्रॉ नहीं करवा सकती। मिस ये जितने भी थ्योरेटिकल मतलब मॉडलिंग कर रहे हैं तो मिस ये एक दूसरे से मतलब लिंक ही करते हैं, ज्यादातर सेम ही है, मतलब इसके पॉइंट्स इसमें रिफर करते हैं, प्रोसेसेस तो सेम है ना, काम तो सेम है, प्लानिंग वहां भी हो रही है यहां भी हो रही है, एनालिसिस वहां भी हो रहा है यहां भी हो रहा है, लेकिन कहीं किसी में सीक्वेंस में डिफरेंट है, कहीं इंक्रीमेंट में काम हो रहा है, कहीं पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ काम हो रहा है, कहीं कंपोनेंट भी यूज हो सकते हैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, कहीं स्क्रैच से बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसेस सेम है, काम सब में सेम ही हो रहा है, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है। मिस तो थ्योरी में क्या स्मॉल डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, मतलब बिल्कुल मतलब? बिल्कुल मैम, मैम ये लास्ट टाइम आपने मॉडल पढ़ाए थे अपने, क्या कहते हैं वॉल मॉडलिंग, मतलब इसकी कोई एग्जांपल वगैरह भी दे दिया करें कि कहाँ यूज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, इसके एग्जांपल दे दिया करूं, मतलब के मॉडल वगैरह जो आपने पढ़ाए थे अभी जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज क्विज जो हुआ है इसी का मतलब आपने पूछा था ना ये वाटरफॉल वगैरह प्रोटोटाइपिंग और रेड किधर यूज करते हैं, मतलब के सिनेरियो बना के देना था जी, तो ये मैंने क्लास में करवाए हैं, स्लाइड्स में भी मौजूद है व्हेन टू यूज जी मिस, अब आपके पास प्रोजेक्ट का साइज छोटा हो और रिक्वायरमेंट्स फिक्स हो तो उसके लिए आप वाटरफॉल यूज कर सकते हैं, और आपके पास टीम भी बहुत ज्यादा स्किल ना हो तो वाटरफॉल की तरफ जाएंगे, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन चाहिए बहुत कम डेज में और जो है आपके पास स्किल टीम है तो आप आरईडी यूज कर सकते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर स्टार्ट ये सारे वो सारी इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ना। अब देखें सिंपल तो मैं ये नहीं कह सकती कि डिफाइन रब, ऑनलाइन में मैं रब तो पूछूंगी नहीं, क्या एक्सप्लेन करेंगे रब क्या है, उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा फिरा के इस तरीके से करूंगी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीज निकल के बाहर आए। ये तो आप देख के भी है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ रहे कि मतलब ऐसी कोई एग्जांपल दी जिसके अंदर ये सारा वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल किया गया हो आपके ध्यान में कोई हो। तो मैं क्लास में बता तो रही होती हूँ कि लेट सपोज अगर मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, तो ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है, और फिर मैंने वो अपॉइंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का भी बताया था कि अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसको एक फीचर बना दिया, तो उसमें हम आइट्रेशन किस तरीके से लगा सकते हैं, सो अगर प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है। अब आपको अगर मैं कोई प्रोजेक्ट का नाम दूँ तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने एक नोटिफायर एप्लीकेशन बनानी है, सो व्हाट डू यू थिंक कैन इट बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, तो छोटी सी एप्लीकेशन है तो वो मॉड्यूल्स में डेवलप ब्रेक नहीं हो सकती, सो हम उसमें आइट्रेशन पे काम नहीं कर सकते, इट्स ऑब्वियस। अगर मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारे फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, उसमें अपॉइंटमेंट बुकिंग भी आ सकती है, उसमें पेमेंट का भी आ सकता है, उसमें रूम रिजर्वेशन भी हो सकती है जिसमें रूम्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसमें और क्या चीज़ें आ सकती हैं, डॉक्टर की एंट्री, एम्प्लॉय की एंट्री, उनकी सैलरी वगैरह, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो ये तो बहुत सारे मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है, सो इट्स डिपेंड कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसका जो है वो साइज क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो नेचर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। डिवाइड नहीं करता, वाटरफॉल में डिविजन नहीं होता, वाटरफॉल पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चलता है मॉड्यूल्स में ब्रेक किए बगैर, अगर मॉड्यूल्स हैं भी, लेट सपोज मैं ये नहीं कह रही कि वाटरफॉल से आप
हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वाटरफॉल आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट एक एक फेज में बता दें स्टार्ट के एक हफ्ते में। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर एक्सप्लिसिटली एक साथ नहीं बता सकता। तो काम तो आप वाटरफॉल में भी कर सकते हैं लेकिन जब वाटरफॉल पे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। वही चीज अगर आप आइटरेटिव मॉडल में करते तो शायद आप 2 to 3 मंथ में कंप्लीट कर लेते, लेकिन अगर वही सेम प्रोजेक्ट आप वाटरफॉल से करेंगे तो हो सकता है आपको 8-9 महीने लग जाए और फिर जब आप कस्टमर को दिखाएं तो कस्टमर तब भी सेटिस्फाई ना हो क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आपने सिर्फ एक दफा स्टार्ट के फेस में कस्टमर से कम्युनिकेट किया और एट दी एंड जब आप उसके हैंडओवर कर रहे हो तो वो चीज क्योंकि इन बिटवीन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि उस वाटरफॉल की में ये है ही नहीं कि आप कस्टमर से कम्युनिकेट करें। उसमें बस आप फर्स्ट फेज में रिक्वायरमेंट ले लें, उसने दे दी, बस ठीक है अब आप उसको खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही डिजाइन करें, खुद ही कोड करें, उसमें कहीं भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट नहीं है। तो काम तो हर प्रोसेस मॉडल पे हो सकता है लेकिन हर प्रोसेस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए कोई नया प्रोसेस मॉडल इनिशिएट हुआ कि उसमें ये लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करने। काम प्रोसेसेस सारे वही हैं, प्लानिंग हर प्रोजेक्ट की होगी, एनालिसिस हर प्रोजेक्ट की होगी, हर डिजाइन कोडिंग हर प्रोजेक्ट की होगी, लेकिन आप उसको चंक्स में लेके चल रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं, आइट्रेशंस में ब्रेक कर रहे हैं, स्मॉल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अभी मिली है तो आप उसके लिए स्पाइरल की तरफ जाएंगे क्योंकि स्टार्ट में हमें रिक्वायरमेंट्स मिल गई। स्पाइरल हमें क्या कहता है कि पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट एक साथ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स बताएं उस पर हम काम स्टार्ट कर देंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे, आपको थ्रू आउट इन्वॉल्व रखेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, आपको दिखाएंगे, आप सेटिस्फाई होंगे तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स देंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी चीज को चेंज करते रहेंगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो मिस ऐसे भी प्रोजेक्ट होते होंगे ना जिसमें ना 2-3 मॉडल को मिक्स करके, मतलब अगर हमारे ईज के लिए बिल्कुल हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि वाटरफॉल को हम प्रोटोटाइपिंग के साथ यूज करें, वाटरफॉल की लिमिटेशन है बहुत सारी, तो उन लिमिटेशंस को आप प्रोटोटाइपिंग से ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मैंने रिक्वायरमेंट वाला कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तमाम रिक्वायरमेंट कस्टमर एक साथ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके पास स्किल टीम नहीं है, नए लोग नहीं है जो रेड पे काम कर सकें, जो स्पाइरल पे काम कर सकें, आपको वाटरफॉल पे ही चलाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटोटाइपिंग करके कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले सकते हैं कि देखिए फ्रंट एंड ऐसा बनेगा। तो जब हम कोई चीज विजुलाइज कर रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा प्रॉपरली पता चल रही होती है कि हाँ ये इसमें ये चीज, फिर वो आपको ज्यादा करेक्टली बता रहा होगा, फिर आप भी उसको पॉइंट गेट करेंगे कि एक्चुअली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, इंसेप्शन फेज हमारे पास क्या है, ठीक है अगर आप लोग बहुत ज्यादा एम्फसाइज करें कि हम प्रैक्टिकली चीजों की तरफ आए तो मैं ये इंसेप्शन फेज और ये सारे फेजेस का ओवरव्यू तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसको हम बाईपास कर देते हैं। ये वही चीजें हैं जो वाटरफॉल में हम वो सारी चीजें करते आ रहे हैं, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर को हम फॉर जो है वो एज अ प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं, ये सारे फेजेस को एक दफा फिर गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग। इंसेप्शन में रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनिशियल यूज केसेस बना रहे हैं जो कि 20-30% कंप्लीटनेस की तरफ हमें बता रहा होगा कि 20-30% प्रोजेक्ट हमारा यूज केसेस के थ्रू हमने मैप करके बता दिया, इसी को देख के 20-30% प्रोजेक्ट हमारा इन्हीं यूज केसेस पे फोकस कर रहा होगा जो इनिशियल यूज केसेस हैं। फिर उन यूज केसेस को आप आगे जाके जब डिजाइन फेज में आएंगे आप उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन देंगे, तो उन यूज केसेस को आप फर्दर जो है वो फिल्टराइज करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे कौन क्या करेगा, कितना टाइम लगेगा, और फिर लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट्स एज माइलस्टोन, फिर आप माइलस्टोन सेट करेंगे कि कब, मतलब ओवरऑल प्लानिंग करेंगे। इलैबोरेशन में क्या होगा, एलैबोरेशन में आप जो है प्रॉब्लम डोमेन को एनालिसिस करेंगे कि हम ये एप्लीकेशन बना क्यों रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां से भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, और फिर सॉलिड आर्किटेक्चर आपका एलैबोरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यूज केस मॉडल जो कि 20-30% एनालिसिस में स्टार्ट फेज में था इंसेप्शन में, उसी को यूज करते हुए हम पूरा यूज केस मॉडल बना लेंगे जिसमें यूज केस रियलाइजेशन भी होगी। अब यूज केस रियलाइजेशन क्या होगी ये हम पढ़ेंगे, यूज केस मॉडल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, यूज केस इटसेल्फ क्या होता है ये सब चीजें हम पढ़ेंगे,
लेकिन पहले ओवरव्यू देना जरूरी है कि प्रोसेस मॉडल्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, उनका पता होना आपको जरूरी है. अब उनमें काम क्या हो रहा है वो हम आगे जाके देखेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन है, तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं. फिर कंस्ट्रक्शन में हम कोड लिखेंगे, यूजर मैनुअल जनरेट करेंगे और ट्रांजिशन में हम अपनी एप्लीकेशन पर डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करके कस्टमर को दे देंगे. कस्टमर उसको चेक करेगा, अपने एनवायरनमेंट में चलाएगा और एयरली फीडबैक देगा. बीटा टेस्टिंग परफॉर्म होगी और फिर उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में. स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, आपके प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्राइब्ड हु इज डूइंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन, कब कौन कहां क्या करेगा, Who, कौन responsible है क्या काम परफॉर्म करने के, what हमने करना क्या है, how कैसे करेंगे and when कब परफॉर्म करना है. So who का आंसर है workers, how का आंसर है activities. We can perform these tasks through different activities. What generate क्या करना है, different artifact. Artifact means कोई भी working module, working feature. When कब करना है, workflows बताएंगे. Workflows means सिस्टम का फ्लो बताएगा कि कौन सा काम कब कौन कैसे करेगा. ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से ये नोटेशंस यूज हो रही हैं. डिजाइनर है तो वो डेफिनेटली वर्कर है. यूज केस एनालिसिस एक्टिविटीज है, हमने यूज केस एनालिसिस किया तो ये हमारी एक्टिविटीज हैं. और आर्टिफैक्ट क्या बना हमारे पास, यूज केस रियलाइजेशन. जब हमने यूज केस एनालिसिस कंप्लीट कर लिए, डिजाइनर उस यूज केस एनालिसिस को देखकर यूज केस रियलाइजेशन बनाएगा कि हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी, बाउंड्री क्लासेस कौन सी होंगी, एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी और कंट्रोल क्लासेस क्या होंगी. ये सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम यूज केस की रियलाइजेशन देखेंगे कि यूज केस रियलाइजेशन होती क्या है. ठीक है, वर्कर हमारे पास रिसोर्सेज हैं. ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, पॉल, मैरी, जोस, सिल्विया, स्टेफन, और इनके जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन, डिजाइनर, यूज केस ऑथर, यूज केस डिजाइनर, डिजाइन रिव्यू एंड आर्किटेक्ट. कौन सा रोल क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, डिजाइनर ऑब्जेक्ट डिजाइन, यूज केस ऑथर डिटेल यूज केस जनरेट करेगा, यूज केस डिजाइनर यूज केस को डिजाइन करेगा, डिजाइन रिव्यू रिव्यू द डिजाइन. डिजाइन रिव्यू वाला जो पर्सन है, वर्कर है, वो क्या करेगा, जो डिजाइन जनरेट हुआ उसको रिव्यू करेगा कि उसमें कहीं कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, डिजाइन प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं है. और सिस्टम आर्किटेक्ट क्या करेगा, आपके सिस्टम का पहले आर्किटेक्चर एनालिसिस एंड देन जब वो कम्प्लीट हो जाएगा तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, यानी कि जो कोर डिजाइन है सिस्टम का वो आपका सिस्टम आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा होगा. इसी तरह डिवेलपर जो है वो कोड राइट डाउन करेगा, टेस्टर टेस्टिंग करेगा. तो ये डिफरेंट लोग हैं और उनसे रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज हैं. आर्टिफैक्ट क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस्ड है जो कि एक वर्किंग मॉड्यूल है. एन आर्टिफैक्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड मॉडिफाइड और यूज्ड बाय अ प्रोसेस. कोई भी एक्टिविटी करने के बाद जो उसका एंड रिजल्ट आ रहा है, जैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, सो SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इज अ आर्टिफैक्ट ऑफ एनालिसिस फेज. उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो आउटकम है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद जो आउटकम है वो आर्टिफैक्ट है. आर्टिफैक्ट्स आर यूज्ड एज इनपुट बाय वर्कर्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. अ मॉडल सच एज द यूज केस मॉडल और द डिजाइन मॉडल. ठीक है, हमने यूज केस एनालिसिस किया, उसके बेसिस में यूज केस मॉडल जो हमारे प्रोड्यूस हुआ दैट इज एन आर्टिफैक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. वर्कफ्लोज, वर्कफ्लोज क्या बता रहे हैं कि हमें काम किस सीक्वेंस में करना है. Like this, architect है, architect analysis उसने किया, design बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, उसने किया describe concurrency and describe distribution. Designer use case analysis, उस architecture analysis को देखते हुए designer ने use case analysis किया, means आपने pupil को involve करके जितने भी persons हैं उनको involve करके एक workflow explain कर दिया कि कौन कब क्या क्या काम करेगा और कौन wait करेगा दूसरे के इनपुट पे. तो ये जो आउटपुट है इसका आ रहा है वो इस फेज का इनपुट होगा. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वर्कफ्लो. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे.